बिहार का युवक सनोज यादव का दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्गा पूजा का दिन बिहार के गया जिला का सोजन्ना गांव का युवक सनोज यादव का डेंगू से दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। सनोज कुमार दिल्ली में रहकर कार चलाते थे, लेकिन बुखार लगने से सनोज कुमार का इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला जानने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में मृतक युवक सनोज कुमार के लिए ओम शांति जरूर लिखना। जहां दोस्तों बिहार के गया जिला के फतेहपुर थाना क्षेत्र के सोजन्ना गांव का युवक का दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही घर पर मातम पसरा हुआ था। परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सनोज कुमार लगभग 25 वर्ष के उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चल बसे। सनोज यादव दिल्ली में रहकर कार चलाते थे, जिससे उसका घर परिवार चलता था। 7 दिन पहले ही सनोज यादव दिल्ली में बीमार पड़ गई। 1 हफ्ता से उनका इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था, लेकिन गुरुवार को शाम इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। आज एम्बुलेंस से पार्थिव शव को सोजन्ना गांव में लाया गया, जहां पर पैथिक शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पार्थिव शव को देखकर परिवार परिजनों का रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। इनकी पत्नी बार बार बेहोश जा रही थी। हिंदू रीति रिवाज के साथ पैतृक शमशान घाट पर दादर नदी के तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक सनोज अपने पीछे 2 छोटे-छोटे बच्चे, पत्नी, माँ, भाई, बहन, पिता सभी को छोड़कर चल बसे। मृतक सनोज का भतीजे ने मुखाग्नि दिया। यह दृश्य देखकर सभी का आंख नम हो गया। मृतक सनोज कई वर्षों से दिल्ली में रहकर कार चलाते थे। उन्होंने घर आकर वापस कार चलाने के लिए दिल्ली गया था, लेकिन 1 हफ्ता पहले ही बीमार पड़ गए थे, जिसे दिल्ली के लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान गुरुवार को शाम उनका निधन हो गया। निधन के बाद परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। शुक्रवार को मृतक युवक का एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शव को घर पर लाया गया। पार्थिव शव को देखकर इनकी पत्नी बार बार रो रही थी। मृतक सनोज का एक झलक पाने के लिए परिवार परिजनों ग्रामीणों भी पहुंच गए थे, लेकिन मृतक को देखकर सभी का आंख से आंसू बह रही थी। सनोज का 2 छोटे-छोटे एक बेटा और एक बेटी थे। सभी को रोते बिलखते छोड़कर दुनिया को अलविदा कहकर चल बसे। मैं भगवान से सादर विनती प्रार्थना करता हूँ, मृतक सनोज कुमार का आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहनशक्ति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखना।